चलिए तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम लेकर आ गए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। लेट जेड वन एंड जेड टू आर टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट जेड वन बाई जेड टू का मॉडुलस इक्वल टू टू एंड आर्गुमेंट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू इक्वल टू थ्री पाई बाई टू। इफ जेड रिप्रेजेंट द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाई कॉम्प्लेक्स नंबर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एंड जेड वन का बार अपॉन जेड टू वेयर ओमेगा इज द इमेजनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू वाट। तो देखो यहाँ पे हमको आर्गुमेंट ऑफ जेड पे कमेंट करना है उसके रेंज पे कि आर्गुमेंट ऑफ जेड का रेंज कहाँ पे लाई करेगा। ठीक है तो ये तो मोर देन वाला करेक्ट ऑप्शन हो गया, तो चेक करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा। इस तरह के सवाल तो जेई मेंस में भी आते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू ये वाला प्रॉपर्टी का यूज करके सवाल, तो बहुत बेनिफिशियल प्रॉब्लम है। चलो तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कुछ जेड वन और जेड टू को पॉलर फॉर्म में मान लेते हैं। जेड वन इक्वल टू मान लो आर वन ई का पावर आई थीटा वन, उसी तरह जेड टू इक्वल टू क्या होगा आर टू ई का पावर आई थीटा टू। अब बताओ कि यहाँ पे अगर जेड वन और जेड टू मान लिए हैं तो जेड वन का बार क्या होगा, जेड वन का बार आर वन ई का पावर माइनस आई थीटा वन होगा और जेड टू का बार भी क्या होगा तो आर टू ई का पावर माइनस आई थीटा टू होगा। मॉडुलस चेंज नहीं होता है जो है कंजुगेट लेने पे, इसलिए हमेशा याद रखना, अच्छी बात है। अब हमको आगे पढ़ना है सवाल। जेड वन बाई जेड टू का मॉडुलस इक्वल टू टू, मैंने आर वन बाई आर टू का मॉडुलस ही टू दिया है। इफ जेड रिप्रेजेंट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाई कॉम्प्लेक्स नंबर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एंड दिस। अच्छा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर तो पता है लेकिन इसके बारे में नहीं पता है, तो इसको थोड़ा सा हम सॉल्व सिंप्लीफाई करते हैं। जेड वन का बार बाई जेड टू का बार, जेड टू है सिर्फ, जेड वन का बार बाई जेड टू, तो जेड वन का बार बाई जेड टू है। तो बताओ जेड वन का बार कितना है, जेड वन का बार है आर वन ई का पावर माइनस आई थीटा वन बाई जेड टू है आर टू इंटू ई का पावर आई थीटा टू। अगर हम आर वन बाई आर टू को एक साथ रखें और ई का पावर आई थीटा टू को ऊपर ले जाए तो हो जाएगा ई का पावर माइनस आई इंटू थीटा वन प्लस थीटा टू। ठीक है अच्छा आर वन बाई आर टू क्या है, आर वन बाई आर टू क्या है, आर वन बाई आर टू बेसिकली जेड वन बाई जेड टू का मॉडुलस ही है, समझ गया ना, उस किसके बराबर है, दो के बराबर है, तो इसकी जगह पे तो हम दो लिख देंगे। लेकिन थीटा वन प्लस थीटा टू क्या है, थीटा वन प्लस थीटा टू क्या है, ध्यान से देखो कि थीटा वन प्लस थीटा टू भी दिया हुआ है। देखो यहाँ पे जे आर्गुमेंट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू, अगर नहीं पता चल रहा है तो देखो हम बताए थे कि आर्गुमेंट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ जेड वन प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड टू। आर्गुमेंट ऑफ जेड वन जो है हमारा क्या माना गया है, थीटा वन, अभी क्या गया है थीटा टू, अभी दिया हुआ है सवाल में थ्री फाइव बाई टू, तो इसके जगह पे थ्री पाई बाई टू सब्सटीट्यूट करो। तो जैसे ही सब्सटीट्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, जेड वन का बार अपॉन जेड टू इज इक्वल टू टू इंटू ई का पावर आई इंटू थ्री पाई बाई टू, ठीक है ना, माइनस आई थ्री पाई बाई टू। तो टू इंटू इसको ओपन करते हैं तो कॉस थीटा, थीटा इज थ्री पाई बाई टू माइनस आई साइन थीटा, आई साइन थ्री पाई बाई टू। अब बताओ यहाँ पे कि कॉस थ्री पाई बाई टू जीरो होता है, माइनस आई साइन थ्री पाई बाई टू माइनस वन होता है, माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा तो टू आई बनेगा, टू आई मतलब जेड वन का बार अपॉन जेड टू इज कितना दिया है, टू आई दिया हुआ है। क्लियर हुआ, चलो तो आगे पढ़ते हैं। इफ जेड रिप्रेजेंट द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर दिस दिस एंड दैट, तो ये बेसिकली टू आई निकला और तीन तो जो है इसको मिला के सेंट्रोइड बनाया जाता है। तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट तुमको निकालने के लिए बताए हैं पिछले सवाल में हम किए थे, ठीक है ना, कि सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट होता है हमारे पास जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री भाई कितना, थ्री। तो जेड वन है कितना, जेड वन है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस टू आई भाई कितना, तीन। अब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट यूनिटी है, तो तुमको फेमस रिजल्ट पता ही होगा कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और वन प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, जीरो। तो इसका वैल्यू निकालोगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके जगह पे माइनस वन यूज कर लो, माइनस वन प्लस टू आई भाई कितना, थ्री। मतलब ये जो हमको सेंट्रोइड पता चला कोऑर्डिनेट ऊपर चल गया माइनस वन बाई थ्री प्लस टू बाई थ्री इंटू आई, दिस इज द सेंट्रोइड। अब इसी को बोल दे रहा है सवाल में जेड, जेड रिप्रेजेंट द सेंट्रोइड ऑफ, इन्हें बोल रहा है कि जेड रिप्रेजेंट द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल फाउंड बाई कॉम्प्लेक्स नंबर दिस, तो जेड उसको बोल दिया है। अब बताओ कि ये जो है ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो रियल एक्सिस नेगेटिव है और इमेजिनरी एक्सिस पॉजिटिव है, तो
सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइक करेगा, दिख ही रहा होगा, ठीक है ना। अच्छा, उसका आर्गूमेंट हमको, उसके आर्गूमेंट पे हमको क्या करना है, इसके आर्गूमेंट पे हमको आर्गूमेंट ऑब्जेक्ट निकालना है ना। तो आर्गूमेंट ऑब्जेक्ट का इंटरवल निकालना है, तो बना लेते हैं पहले y एक्सिस और z एक्सिस। देखो ए हो गया हमारा। अब बताओ कि कॉम्प्लेक्स नंबर कोई यहाँ पर होगा, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। मान लो कि ए एंगल है अल्फा, तो इसका आर्गूमेंट का आंसर कैसे बताएंगे, आर्गूमेंट का आंसर कैसे बताएंगे, तो आर्गूमेंट का आंसर कैसे बताएंगे, पाई माइनस अल्फा करके आंसर देते हैं। तो आर्गूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, अल्फा कैसे निकालेंगे, तो आर्गूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, अल्फा होता है टेन इनवर्स आई का कोफिशियंट अपॉन एक्स का कोफिशियंट, लेकिन मॉडुलस में पाई माइनस टेन इनवर्स मॉडुलस ऑफ, मॉडुलस लेना है, मॉडुलस है वाई बाई एक्स होता है, वाई क्या होता है आई का कोफिशियंट, टू बाई थ्री अपॉन एक्स का कोफिशियंट है माइनस वन बाई थ्री, इसका मॉडुलस तीन से तीन कैंसिल, और हमारे पास आर्गूमेंट ऑफ जेड आ गया कितना, पाई माइनस टेन इनवर्स टू, ठीक है ना, टेन इनवर्स टू, दिस इज द आर्गूमेंट ऑफ जेड। अब इसका हमको रेंज बताना है, रेंज, ठीक है, टेन इनवर्स टू क्या होगा। तो एक बात बताते हैं, ध्यान से सुनना, हमको रेंज बताना है, तो एक बात बताओ कि tan इनवर्स 2 क्या है, tan इनवर्स 2 घटाना है, tan इनवर्स 2, तो tan इनवर्स 2 जो है अगर हम घटाएंगे तो आर्गुमेंट ऑफ z कहां पे पता चलेगा, इसके लिए हम बताते हैं, ध्यान से सुनो। पहले एक बार हम और लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से, पाई में से घटाना है हमको tan इनवर्स 2। अब tan इनवर्स 2 तो है वो, तो कौन किससे बड़ा होगा, कौन किससे छोटा होगा, इसके लिए थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन हम देख लेंगे। तो पहले अगर tan इनवर्स 1 जो है, tan इनवर्स 1 वो तो छोटा होगा tan इनवर्स 2 से, क्या होगा, छोटा होगा tan इनवर्स 2 से, tan इनवर्स 2 से तो छोटा होगा, मतलब अगर 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 हम ये पाई बाई 4 वाला लाइन बनाएं, tan इनवर्स 1 कितना होता है पाई बाई 4, तो ये वाला पाई बाई 4 है, तो पाई बाई 4 से तो छोटा होगा, पाई बाई 4 से छोटा होगा, 45 डिग्री से तो छोटा ही होगा ये, तो यहाँ पर लाई करेगा, पाई में से पाई बाई 4 कटाएंगे तो कितना बचेगा 3 बाई 4, मतलब यहाँ पर लाई करेगा, ऊपर लाई करेगा, छोटा है तो यहाँ पर लाई करेगा। अच्छा, एक बात बताओ कि tan इनवर्स 2, अगर हम tan इनवर्स 2 को बात करते हैं, रूट 3 से भी क्या होगा छोटा, tan इनवर्स रूट 3 जो होगा वो भी कितना होगा, टेन इनवर्स 2 से बड़ा ही होगा, रूट 3 मतलब 1.732, अभी 2 है तो बड़ा ही ना, टेन इनवर्स 2 ये बेसिकली 1.732 है, तो 2 तो बड़ा ही है, मतलब यहाँ पर टेन इनवर्स रूट 3 कितना होता है, टेन इनवर्स रूट 3 होता है कितना, टेन इनवर्स रूट 3 होता है पाई बाई 3, पाई बाई 3 से तो बड़ा ही होगा, पाई बाई 3 से तो बड़ा ही होगा, मतलब tan इनवर्स 2 पाई बाई 3 से बड़ा होगा, पाई बाई 3 होगा कहाँ, तो पाई बाई 3 यहाँ पर होगा, पाई बाई 3 यहाँ पर, ठीक है, पाई बाई 3 यहाँ पर होगा, ठीक है, अच्छी बात है। अब पाई बाई 3 से तो देखो बड़ा है ना, बड़ा, बिल्कुल बड़ा है, अच्छी बात है। अच्छा, अब देखो ध्यान से कि 2 पाई बाई 3 कितना होगा, ये 90 हो गया, अभी पाई बाई 3 हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा 2 पाई बाई 3, कितना हो गया, ये हो गया हमारा 90, अब ये हो गया हमारा कितना पाई बाई 3, तो ये हो गया कितना 2 पाई बाई 3, तो 2 पाई बाई 3 जो है पाई में से पाई बाई 3 कटाएंगे तो कितना बचेगा, पाई में से पाई बाई 3 कटाएंगे तो 2 पाई बाई 3 बचेगा, तो बताओ कि पूरा पाई में से ये वाला एंगल है हमारा कितना पाई बाई 3, तो ये कितना हो गया हमारा 2 पाई बाई 3 हो गया, यहाँ से 2 पाई बाई 3, तो ये जो पॉइंट है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, वो किसके बीच में लाई कर रहा है, तो ऑप्शन पहला नंबर चेक करते हैं। देखो पहला नंबर है पाई बाई 2 से 2 पाई बाई 3 के बीच में लाई करेगा, पाई बाई 2 से 2 पाई बाई 3 के बीच में लाई करेगा, तो बताओ कि पाई बाई 2 है कहाँ, पाई बाई 2 है यहाँ पर, पाई बाई 2 है यहाँ पर, और पाई बाई 2 मैंने 90 डिग्री और 2 पाई बाई 3 कितना 120 डिग्री, तो 2 पाई बाई 3 कहाँ है, 2 पाई बाई 3 का मतलब कितना 120 डिग्री, तो इसके बीच में तो लाई कर रहा है, देखो
इसके बीच में लाइक कर रहा है ना, ये 2π/3 हो गया, अभी π/2 हो गया, इसके बीच में लाइक कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल लाइक कर रहा है। तो पहला नंबर जो है हमारा क्या आ गया, करेक्ट हो गया आंसर। यस, अच्छा 2π/3 से पाई के बीच में, 2π/3 से पाई के बीच में, 2π/3 से पाई के बीच में तो लाई नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि 2π/3 यहाँ पर है और पाई यहाँ पर है, इसके बीच में तो लाई नहीं कर रहा, उसके ऊपर ना लाई कर रहा है, तो बी नंबर हमारा ऑप्शन हो गया गलत, बी नंबर हो गया हमारा गलत। सी नंबर π/2 से 5π/2, π/2 मैंने 90 और 5π/6 मैंने 150। अच्छा एक बात बताओ, 150 कहाँ पर होगा, 150 कहाँ पर होगा, 150 डिग्री कहाँ पर होगा, देखो ध्यान से सुनना, एक बात बताओ कि 5π/6 तो इधर होगा, π/4 से भी कितना होगा, 5π/4 से भी यहाँ पर होगा, 5π/6 तो यहाँ पर होगा, 5π/6 यहाँ पर होगा, दिस इज 5π/6 और π/2 है कहाँ, ऊपर π/2 है, 5π/2 से 5π/6 है ना, 5π/6 कहाँ होगा, 5π/6 यहाँ पर होगा, यहाँ पर, कैसे देखो 5π/6 क्या होगा, ये वाला हो गया पर अब कितना 5π/6, कैसे टोटल है कितना 30 डिग्री है, 5π/6 होता क्या है, पाई बाय सिक्स क्या होता है 30 डिग्री, 5π/6 कितना होगा, तो 5 × π का वैल्यू 150 होगा, तो 150 कितना होगा, 150 होगा, अगर 30 डिग्री है तो ये वाला 150 होगा, 150 ये वाला 150 होगा, 150 होगा तो छोटा ना होगा, π/4 कितना होता है 45 मैंने 135, ये वाला 135 डिग्री है, ये 150 वाला है, 150 वाला लाइन, ऊपर वाला 120 डिग्री वाला लाइन है, ठीक है ना, तो ये सब क्या है छोटा हो गया, ऊपर है इसे, अब π/2 से तो छोटा ही है, 5π/6 से बड़ा है 10/2, तो इसका मतलब है कि उसके बीच में भी लाइक कर रहा है, ठीक है ना, तो ए नंबर भी ऑप्शन क्या है हमारा सही है। और 7π/12 और 5π/6, अच्छा 7π/12 क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। 7π/12, 7 × π का वैल्यू, पाई का वैल्यू 180/12, 12 से 15 बने, 15 × 7 = 105, 105 डिग्री, तो अगर हम tan 105 डिग्री का वैल्यू निकालें तो कितना लिखेंगे, tan कितना, tan लिखेंगे 90 प्लस कितना, tan कितना लिखें इसको, 180 माइनस कितना लिखें, 180 माइनस 75 लिखें, tan 180 माइनस 75 लिखते हैं, 10 मिनट से पाँच गया 5, tan 180 माइनस 75 लिखें तो काम हो जाएगा, 105 बन जाएगा, बताओ tan 105 डिग्री का वैल्यू अगर हमको निकालना है तो tan 75 डिग्री का वैल्यू निकालो, tan 75 का वैल्यू कितना होगा, tan 75 का वैल्यू आएगा √3 है, तो बताओ tan इनवर्स 2+√3 कितना होगा, tan इनवर्स 2+√3 जो है वो कितना होगा, तो tan 2 से तो बड़ा हो जाएगा, अरे tan 2 से तो बड़ा ना हो गया, tan 75 जो हो गया tan 2 से तो बड़ा हो गया, देखो √3 ज्यादा है, तो tan 2 से बड़ा हो गया मतलब ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पर लाई करेगा, मैंने इससे बड़ा होगा, ये होगा हमारा कितना 75 डिग्री, 75 डिग्री होना भी चाहिए, कैसे, ये वाला 90 हो गया, ये वाला 15 हो गया, और ये 15 हो गया तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 75 डिग्री हो गया, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो ये वाला हो गया हमारा, देखो ये जो पॉइंट है tan इनवर्स 2 वो किसके बीच में लाई कर रहा है, देखो ये 75 डिग्री और 150 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं, 5π/6 के बीच में, देखो ये 5π/6 है और ये 75 डिग्री है, इसके बीच में लाई कर रहा है, तो इसलिए हमारा डी नंबर भी क्या है, डी नंबर भी करेक्ट ऑप्शन है, फिर हुआ, चलो तो ये जो है हम अपने से डिस्कशन किए हैं ऑप्शन वाला, अगर तुमको अगर ज़्यादा जो है दिक्कत हो रहा हो तो अपने से जो है वैल्यू रख करके चेक कर सकते हो, ठीक है, ऑल द बेस्ट।